बेटी हो गई फरार तो ससुराल को दिया चकमा, उल्टा पुल्टा जो मन सो आ रहा है बोला जा रहा है। 10 लाख रुपया दिलिये हैं तनी हमर जबर भेले हैं, हम सारी सामान दिलिये एक चीज नहीं हम काटलिये नौकर जे फरमाइने गेले से हम कुल देने गेलिये। सुन लो हमर लड़की बहुत बढ़िया है, हमर लड़की घर से नहीं बाहर होवे। लड़का पूर्व से ही चरित्रहीन था और वह अपनी चरित्रहीनता को छुपाने के लिए हमारी बच्ची के ऊपर जो है ऐसा घिनौना। हम शर्मावासी 650 भूमिहार का गांव ये भी देख रहे हैं। लड़की से बात करता है और नशा भी करता है, सब कुछ जानते। एक लुटेरी दुल्हन का चर्चा काफी सुर्खियों में है, क्योंकि लड़का पक्ष का तो सभी लोगों ने दिखाया। आखिर लड़का पक्ष का कहना है कि दुल्हन जो आती है उनके घर में वो 24 घंटे से अधिक होते होते उनके घर का सारा जेवर गहना लेकर के फरार हो जाती है किसी और लड़के के साथ में। तो आज हम उस लड़की के घर में आए हैं जिस लड़की पे सारा आरोप लग रहा है। इसी घर की लड़की है, 4-5 दिन पहले शादी होती है इसी घर से। तो आपके घर की बेटी पे यह आरोप लग रहा है कि जेवर गहना लेकर के फरार हो गई किसी और लड़के के साथ। हमें पूरा यकीन है कि हमारी लड़की सुरक्षित थी, हमारी सिस्टर, लेकिन ये सारा मजबूती के साथ मैं कह सकता हूँ कि लड़का सारा ये साजिश लड़का का। कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि लड़का का आपत्तिजनक फोटो लड़की के व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लड़का का आपत्तिजनक मतलब? और लड़का किसी और लड़की के साथ संबंध है, उसके साथ अवैध रूप से फोटो दिया हुआ है। लड़की की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए सब किया गया, बहुत बड़ी गहरी साजिश है। और मतलब ये जो फोटो चल रहा है स्क्रीन पर, ये लड़का का किसी और लड़की के साथ, मतलब ये लड़की कोई दूसरी लड़की है? हाँ, दूसरी लड़की है। वो फोटो लड़की को दिखाया गया ताकि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए और वो लड़की मजबूर हो जाए कुछ करने से के लिए, या उसके साथ कोई तरह का घटना घटाने के लिए इस तरह का उद्देश्य मानसिकता दर्शाता है उस लड़के के ऊपर। जैसे ठीक है, फोटो तो हो गया कि मतलब वो लड़का का किसी और लड़की के साथ संबंध है, तो ये फोटो आपके पास कैसे आया? वो लड़का के माध्यम से इसका व्हाट्सएप पर आया, लड़की के और उसके बाद फिर आपके पास आया, फिर हम लोग के पास वो आया फोटो। कब आया आपके पास? बस 6 बजे सुबह में, जब लड़की उसमें लिखा हुआ कि हम निकल रहे हैं, ये लड़का का अवैध लड़कों के साथ संबंध है। मैं पूछना चाहता हूँ लड़का की, लड़की को कैसे फोटो दिए, किस उद्देश्य से दिए, किस माध्यम से दिए, क्या साजिश नहीं है? और दूसरी बात, और क्या क्या मैसेज मिला? और मैसेज मिला कि हम लोग रात के 12 बजे तक घर में पूजा अर्चना किए थे उसी मोबाइल से जिससे ये फोटो आपके पास आया, उसी नंबर से। मैंने वहाँ बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट हम वहाँ गए थे उनके यहाँ कि 12 बजे तक हम लोग को पूजा अर्चना हुआ। उनके पिताजी बोले कि हम 3-3.25 बजे तक ले सोए, और लड़की का फुटेज कुछ दिखा रहे हैं कि लड़की भागी है 3:00 कुछ मिनट में। आप कहाँ थे उस समय? 3 बजे भागी है, 3:15 मिनट, 3:15-16 मिनट में फुटेज है। तो आप लोग कहाँ थे? आपका साजिश नहीं है क्या? आप घर से बाहर थे क्या? लड़की के पीछे थे? लड़की के साथ आप काम करा रहे थे? ये सब सारी लड़का की साजिश है। लड़की कभी अकेली नहीं रहती है कि नई नवेली दुल्हन। उसके बाद जब 12 बजे आपने पूजा किया तो बेफिक्र होकर कैसे सो गए थे? ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लड़की को अकेले छोड़ के हम सो गए थे? लड़की हमारे साथ नहीं थी क्या? इतना तरीके से सो जाता है कि कहीं घर में कुछ हो जाए उसको पता नहीं है? वो एक CCTV में एक वीडियो छोटा सा फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि ये लड़की है और ये लड़की जा रही है। मैं उस फुटेज से कोई स्पष्ट नहीं कह सकता हूं दावे के साथ कि वो लड़की मेरी है और वो भाग रही है। अगर भाग रही है वो दावे के साथ कहते हैं, तो उसने क्यों नहीं FIR किया उन लोगों पर जो उसका एविडेंस में आ रहा है, उसका ट्रेस में आ रहा है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं वो? कि जैसे भी हो लड़का वाले के पक्ष से, लड़का जो भी हो बरामद करे लड़की को जैसे भी हालत में हो। हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं कि लड़की साथ क्या हुआ, क्या घटना को अंजाम दिया, मर्डर कर दिया, क्या कर दिया। हम बहुत सारी बात पर सोच करके हम लोग काफी चिंतित में हैं। तो 3 दिन से खाना नहीं खाए, ऐसे लगा स्थिति हो गई। आई लोग हम लोग उल्टे इंजाम लगा, लड़की भाग गई, हमारी लड़की ऐसी नहीं हो सकती भाग जाती। तो गढ़िया थाना पर हमको पूरा भरोसा है कि वो अपने तरीके से जांच कर रहे हैं, और जहाँ तक हुआ कि हमको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी लड़की बरामद हो जाएगी तो 48 घंटे में, तो जैसे भी हो हमको, सारे परिवार को यह है कि हमको जल्द लड़की जल्द से जल्द बरामद हो, जहाँ से हो जैसे हो जिस अवस्था में हो। आपकी लड़की जब आ जाएगी तो फिर क्या उस घर में भेजिएगा? लड़की आने के बाद
जो प्रोसेस होगा वो हम करेंगे। की नहीं हमारा लड़की चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। आ लड़की जी हमारे कहाँ से हो? आपकी बेटी पे ये आरोप लगा है कि जो भी शादी में जेवर गहना मतलब दोनों तरफ से जो भी चढ़ा वो सब लेकर के आपकी बेटी फरार हो गई बरहिया से। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो हम उतना रस्म रिवाज शादी किए हैं और दान दहेज में भी दे करके 8-10 लाख की संपत्ति जो भी दिए उसके, तो ऐसा करने की तो आवश्यकता नहीं था। वो जो लगा रहा आलोचना वो सरासरी गलत है, इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं कर सकता है। जिससे कि यहाँ के जो परिवार है सबसे पूछ सकते हैं, जो कि वैसा लड़की नहीं है, आलोचना जो भी लग रहा है ना बुनियाद है। रसम जब हुआ ना तो लड़की के रिंग सेरेमनी, हाँ हाँ रिंग सेरेमनी जब हुआ ना तो लड़के वाले दिया एगो मोबाइल बात करने के लिए, और जब तिलक जब होने के वक्त में 2 दिन पहले वो मोबाइल मांग चुके हैं, ओकर बाद से ले लिए, उसके बाद से बात विचार कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मोबाइल लड़की नहीं रख? नहीं, मोबाइल घर में रखबे नहीं करती है, लड़की घर से बाहर जेबे नहीं करती है। लड़की इंसान है और लड़का हैमान है जो कि इस लड़की को बर्बाद कर रहे हैं। वो एकदम लड़का कैसे है? लड़का एकदम हैमान है, ऐसा हैमान है कि हमारा लड़की का न पता कर दिया। अब ऐसा हैमान से कैसा हैमान चाहिए? 22 तारीख को ही हमको एक ऑडियो आया या फिर कॉल आया जिसमें ये बोला गया कि लड़की आपके साथ नहीं रहेगी, लड़की भाग जाएगी। देखिए, अगर लड़का पक्ष को ऐसा कोई उसको मिला, कोई ऑडियो मिला, तो लड़का पक्ष वाले कभी वधू पक्ष से इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की है। यानी उनको था कि ये बात जो है लड़की को पिता को जानकारी मिलता, हो सकता है कि मेरे ऊपर मेरा ही कोई साजिश हो। तो हम समझते हैं कि उस लड़का का बहुत बड़ा साजिश है, और वो अगर ऐसा था तो हम लोग को सावधान क्यों किए, और वो अपने स्वयं क्यों नहीं सावधान हुए। और वह जो कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन जो है पूरे लाखों की जेवरात और ये सारे लॉकर को तोड़कर वो भागी है, तो हम समझते हैं कि आज किसी घर की बहू जो है नई नवेली अगर पहुंचती है तो उसको ये पता है कि लॉकर का चाबी कहाँ है। अगर उसको पता रहेगा तभी तो ऐसा लड़का वाले साजिश का कहना है। जो चढ़ा हुआ था ना, मतलब जो शादी में चढ़ता है जेवर पहनने के लिए, वो जेवर सब लेके भागी है। अगर उस शरीर पर उसका पहने हुए है उसके बारे में जो है वो सारा चीज जानकारी दे रहा है। अगर लड़की जैसे वहां से भागी थी, हमको मैसेज के द्वारा जैसे जानकारी यहाँ दिया गया था, लेकिन अगर मैसेज के हमको जानकारी मिला है तो यहाँ के अपने परिवार जब हो गए थे तो संबंधी हुए थे तो उनको क्यों नहीं फोन? लड़का पूर्व से ही चरित्रहीन था, और वह अपनी चरित्रहीनता को छुपाने के लिए हमारी बच्ची के ऊपर जो है ऐसा घिनौना। चरित्रहीन मतलब? चरित्रहीन यानी आप चरित्रहीन का मतलब नहीं समझते हैं। अभी एक लड़की क्या हो, मतलब उसका किसी और लड़की से संबंध, और लड़की से उसका पूर्व में ही संबंध था, और उस संबंध को छिपाने के लिए हमारी लड़की के ऊपर जो है ऐसा जो है एक अलग लांछना जो है वह लगाया। तो हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। है बढ़िया दिख रहा है तो कभी जैसे लखीसराय में दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है। तो इस अति पर लड़का पक्ष को जो है इसका जो है FIR दर्ज करवाना चाहिए था। अगर वो FIR दर्ज नहीं करवा रहे हैं अर्थात जो है वो कहीं न कहीं इस साजिश में संलग्न है, और उनका हर कार्य जो है संदिग्ध पाया जा रहा है। फिलहाल ये जो चल रहा है चर्चा का विषय लड़की और लड़का, इस जड़ में कहीं ना कहीं पूर्व का जो संबंध होता है प्रेम संबंध, वो शादी के बाद जब आता है चर्चाओं में, तो किस तरह से परिवार टूटता है, नई नई शादियां किस तरह से पल भर में चकनाचूर रिश्ता हो जाता है वो आप देख रहे हैं। लड़का का बात हो या फिर लड़की का बात हो, कहीं ना कहीं इसमें प्रेम संबंध जो है पूर्व में था वो शादी के बाद जब आता है सामने उसका भयानक दृश्य तो क्या होता है, और किस तरह से लोगों का सपना जो होता है अपने बच्चे की शादी करना, अच्छे घर में परिवार ढूंढना और उसके बाद शादी करवाना, वो सारा सपना साकार होने के बावजूद पल भर में चकनाचूर हो जाता। हम शर्मावासी 650 भूमिझाड़ का गांव ये भी देख रहे हैं। अरे एक वर्मा जी हैं, उनके घर में बेटी का ये हादसा हुआ है, ऐसा हुआ है।
वो हमारे पूरे शर्मा का इज्जत प्रतिष्ठा का बात है, वो जात पात हम नहीं देखते हैं। वो पूरे भूमिहार की बस्ती में वर्मा जी रह रहे हैं तो पूरा भूमिहार का समर्थन है, वो तभी एक घर रह रहे हैं यहाँ पर। आप पहुंचे और एक तरफा न्यूज उधर ही चला रहे थे कि लड़की भागी घर से, तो ऐसा ऐसा मतलब कि क्या बोलते हैं कि शर्म आता है सब सुन के कि ऐसा ऐसा न्यूज चल रहा था। अरे जब तक दोनों पक्ष का बयान नहीं सुन लीजिएगा कैसे आप इस घिनौना बात बोल दीजिएगा कि लड़की फरार हो गई? जब तक आपको कुछ सबूत नहीं मिला है, आप बस आए हैं और एक आए थे अब जारी है। हम यही कहना चाहते हैं कि जब बेटी पक्ष शादी हो जाता है जिम्मेदारी वहाँ है, आप 2 दिन के बाद खबर देते हैं ये सब कि ये सब होता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? कोई घूंघट ओढ़ के औरत जाती है किसी के घर में, उसको रास्ता पता घर का नहीं होता है, बाथरूम कहाँ है मेरा, मेरा बेडरूम कहाँ है, और घर से निकल के बढ़िया उतना बड़ा बढ़िया हम जाएंगे धरा जाएंगे। वो बेचारी अननोन लड़की जो घर से नहीं निकलती थी गांव में, जिसको पूरा गांव में जाके पूछ लीजिए वो लड़की के बारे में, पूरा गांव 650 का भूमिहार बस्ती बोलेगा कि वो लड़की कभी आंखों उठा के किसी को नहीं देखती। शेरे दिल के सबसे बड़े मसीहा आजकल चंदन बाबू हैं, बरैया थाना के बड़ा बाबू, उन पर हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर दूध का पानी, एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। उन्हें एक लड़की को कैसे पता चल जाता है कैसे रास्ता है क्या क्या करना है, जो घर का दरवाजा पर कहना एक मोबाइल था लड़की के पास में, पहले से ही छुपा के रखते थे। देखिए मैसेज निकालो भाई, कौन मैसेज भेजा है? वैसा मैसेज है सर, आप पढ़िएगा तो उसमें साजिश की बू आएगी कि वो लड़की मैसेज नहीं भेजी है। वो लड़की मैसेज इसको पढ़िए, ये मैसेज अच्छा से सुन लीजिए। इस मैसेज में लिखा हुआ है मेरी शादी जिस आदमी से हुआ है उसका बहुत सी लड़कियों के साथ संबंध है, और शादी के फर्स्ट रात को अपने रूम से निकलकर किसी और लड़की से बात करता है और नशा भी करता है। सब कुछ जानते हुए मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूं अब, और मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, पर मैंने पुलिस में कंप्लेन की है कि तो फैमिली की बदनामी होती, इसलिए मैं अपने मर्जी से घर छोड़ रही हूं। फिर दूसरा मैसेज आता है मैं कहाँ जा रही हूँ अब मुझे भी खुद भी पता नहीं है, इसलिए ढूंढने की कोशिश बेकार होगी। उसके बाद लड़के का किसी और लड़की के साथ का तस्वीर आता है जो आप देख रहे हैं। अच्छा बताइए एक सेकंड, इसी में देखिए राज है, हम भी लोग कानून भी पढ़े हैं कि बताइए यहाँ पर लड़की का मैसेज करती है कि हमको परिवार का इज्जत रखना है, जिस समय वो घर से निकल गई उसको नहीं पता था कि अगर घर से निकलेंगे तो इज्जत का नीलाम होगा। वो लड़की को ये लग रहा है कि ये सब मैसेज कोई और भेजा है, साजिश है। उस मैसेज को पढ़ के चंदन बाबू भी पढ़े होंगे तो उनको लगा हो नामी के डर लड़का किसी और लड़की के साथ अपना फोटो क्यों भेजेगा? कोई दूसरा इसमें जैसे कोई बता रहा है कुछ साबित करने के लिए कि हम देखिए भाई लड़की का लड़का के साथ फोटो देख लिए इसलिए आ गए, हाँ इसीलिए भाग गए। जिस लड़की को बल्ले चौकर के दरवाजा बाहर नहीं, गांव में अपना नहर में नहीं पार करती थी, उस ससुराल में इतना बड़ा रात को बढ़िया मार्केट पार कर जाएगी? ये हो सकता है कभी कोई लड़का बताइए कोई लड़का अननोन घर में घुस जाएगा? बताया जा रहा है कोई लड़का स्कूटी से आया फल्ला किया चिल्ला किया, कोई साजिश है तब ना वो लड़का आपके घर तक पहुँच गया। न्यूज चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इधर का भी पक्ष लिए हैं, वरना 3 दिन से पेपर न्यूज चैनल, अरे ऐसा ऐसा गांव की हमारे सम्मान है शर्मा गांव की बेटी सोंधी शर्मा की बेटी ऐसे बताइए, ये सब हमू मीडिया में काम करते हैं लेकिन आपके रिश्ता उतना नहीं वायरल रहते हैं। इधर भी आके उस बढ़िया वाले को भी दिखाइए कि एक पक्ष बेटी का पक्ष, आप ही के घर में अगर ऐसा होता तो दोनों पक्ष को दिखाइए। वो जांच तो बड़ा बाबू करेंगे क्या होगा, लेकिन एक पक्षीय मामला मत रखिए कि बेटी हो गई फरार तो ससुराल को दिया चकमा, उल्टा पुल्टा जो मन सो आ रहा है बोला जा रहा है, ये तो किसी के घर का इज्जत का सवाल है। आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ, जय हिंद।